पर लखनऊ से है जहां शिक्षक भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन है। आज 31,661 पदों को लेकर प्रदर्शन करेंगे अभ्यर्थी। भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं होने पर यह प्रदर्शन किया जाएगा। सीएम योगी ने भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए थे, लेकिन 15 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक भर्ती प्रक्रिया जो है वो शुरू नहीं हुई है, जिसको लेकर अभ्यर्थियों में काफी ज्यादा रोष देखने को मिल रहा है। इसी को देखते हुए आज ये प्रदर्शन जो है वो किया जाएगा। शिक्षक भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों का आज ये प्रदर्शन होना है। 31,661 पदों को लेकर प्रदर्शन करेंगे अभ्यर्थी। भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं होने पर यह प्रदर्शन जो है वो किया जाएगा। सीएम योगी ने भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए थे, पर योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद भी अभी तक इसकी जो भर्ती प्रक्रिया है वो शुरू नहीं हो पाई है, जिसको लेकर अभ्यर्थियों में काफी ज्यादा गुस्सा है, काफी ज्यादा रोष है, जिसको लेकर आज प्रदर्शन जो है अभ्यर्थी करेंगे। 15 दिन बीत गए हैं, लेकिन अभी तक भर्ती प्रक्रिया जो है सीएम के आदेश के बाद वो भी शुरू नहीं हुई है, जिसको लेकर आज ये प्रदर्शन किया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के साथ चंद्रमणि शुक्ला हमारे संवाददाता फोनलाइन पे बने हुए हैं। चंद्रमणि, हालांकि सीएम योगी ने भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं, लेकिन 15 दिन बीत गए हैं, अभी तक भर्ती प्रक्रिया जो है वो शुरू नहीं हो पाई है, इसको लेकर आज अभ्यर्थी कहाँ कहाँ प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे? जी, अगर बात करें जिस तरह से मुख्यमंत्री ने पिछले 19 तारीख को ये घोषणा की थी और ये कहा था शिक्षक विभाग से कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती में 31,661 पद है उनको भरा जाए, लेकिन 15 दिन बीत जाने के बाद भी उन्होंने साफ तौर से ये कहा था कि हफ्ता भर के अंदर उनको नियुक्ति पत्र दिया जाए, लेकिन उसके बाद 15 दिन बीत जाने के बाद भी जब भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी तो उसको लेकर आज अभ्यर्थी लखनऊ के निषादगंज में SC ERT पर धरना प्रदर्शन करेंगे। और उनकी साफ तौर से मांग है कि मुख्यमंत्री के आदेश के बाद भी इतनी देरी क्यों? बिल्कुल सही में यहाँ पे चंद्रमणि यही सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार मुख्यमंत्री ने भी आदेश दे दिए, सब कुछ पूरा जो प्रक्रिया है वो भी पूरा हो चुका है, अभ्यर्थी काफी लंबा इंतजार भी कर चुके हैं और इसको लेकर जद्दोजहद कर रहे हैं, लगातार वो लड़ाई अपने लिए लड़ रहे हैं, लेकिन देरी कहाँ हो रही है चंद्रमणि, क्या समझा जाए? ये जाहिर की बात है, अगर विभाग की बात करें तो विभाग का ये कहना है कि जो पहले जो 69,000 को लेकर एक लिस्ट बनाई गई थी उसमें से अब जो है 31,000 पदों को लेकर एक नई लिस्ट बनाई जानी है, जिसको लेकर आरक्षण और तमाम नियमों का ध्यान रखना है और उसी लिस्ट को बनाने में देरी हो रही है। चलिए चंद्रमणि, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए।